तक कि हम अपनी दीदी को मम्मी को उठाते चिल्ला रहे थे उठो उठो आग लगा ले आग लगा ले। हम उतना बोलते हुए ना उनको भागते देखे, उनके पीछे हम दौड़े, तब तक वो भाग चुके थे। बगल में ही नल था, बाल्टी में पानी था, हम वो जग और बाल्टी से आग बुताने लगे तो देखे कि हम अपने पापा के हाथ में माचिस का तीली देखे, वो फेंक के भागते हुए देखे। तब से ही वो मम्मी से लड़ाई झगड़ा हर चीज को लेकर मारना पीटना, दाल में नमक तेज हो गया उसके लिए, रोटी मोटा हो गया उसके लिए, हर चीज के लिए मारते थे। फिर हम लोग वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहाँ राजधानी पटना में एक सनकी पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को जिंदा जला दिया है। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए कि पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के दो पुलवा की पास की है, जहाँ दो पुलवा इलाके में ये माँ और बेटी रहती थी, जहाँ सन की पिता ने अपने ही परिवार के दो सदस्यों को जिंदा जला दिया। जिंदा जलाते ही वहाँ से वो फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ये पिता जो है कई बार अपने बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला भी किया है और कई बार अपने बेटे को जेल भी भेज चुका है। आपको बता दें कि जक्कनपुर थाना के दो पुलवा की ये घटना है, जहां सन की पिता ने अपने पत्नी और अपने बेटे बेटी को जिंदा जलाया है, जहां पूरे परिवार में मातमसा छा गया है। माँ और बेटी दोनों की मौत हो गई है। इलाज के दौरान पटना के पीएमसीएच में इलाज के लिए भेजा गया था, लेकिन खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अब माँ और बेटी दोनों की मौत हो गई है, जिसके बाद तीसरी बेटी ने इस पूरी आपबीती घटना को बताई है, किस तरीके से उसके पिता ने अपने ही पत्नी अपने ही बेटी को जिंदा जलाया है। क्या कुछ कह रही है उनकी बेटी, जरा वो बयान सुने। यही घटना, हम लोग सो रहे थे और अचानक से मेरा नींद खुला तो देखे कि हम अपने पापा के हाथ में माचिस का तीली देखे, वो फेंक के भागते हुए देखे। तब तक कि हम अपनी दीदी को मम्मी को उठाते चिल्ला रहे थे उठो उठो आग लगा ले आग लगा ले। हम उतना बोलते हुए ना उनको भागते देखे, उनके पीछे हम दौड़े, तब तक वो भाग चुके थे। बगल में ही नल था, बाल्टी में पानी था, हम वो जग और बाल्टी से हम आग बुताने लगे। ये हादसा है 3:45 का। उसके बाद हम बुता रहे थे, हमसे बुत नहीं रहा था, पूरा चिल्लाए तो ऊपर घर मालिक लोग आए, वो लोग सब बुताए। मेरे पापा जज का गाड़ी चलाते थे। कहाँ पर? जहानाबाद कोर्ट का जज था। ऐसे जज पटना का ही रहने वाला है, कहाँ पर रहता है वो नहीं, कुछ बताते नहीं थे हम लोग को, लेकिन वो जज का नंबर भी है मेरे पास, वो हमको हमेशा कॉल करते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पापा ने थे इस टाइम से ही वो मम्मी से लड़ाई झगड़ा हर चीज को लेकर मारना पीटना, दाल में नमक तेज हो गया उसके लिए, रोटी मोटा हो गया उसके लिए, हर चीज के लिए मारते थे। फिर हम लोग को बीच में छोड़ के भाग गए, तो भूखे तो नहीं मरेंगे, माँ भी कमाने लगी, हम लोग भी कमाने लगे, बस वही चीज। आपकी बहन क्या करती थी? मेरी बहन आज से 1-1.5 साल पहले पटना सेंट्रल मॉल में जॉब करती थी। अच्छा, अभी नहीं कर रही थी? नहीं, इधर कुछ साल से जब से लॉकडाउन हुआ था तब से वो नहीं कुछ कर रही थी घर पे। उनका शादी भी होने वाला था? हाँ, एंगेजमेंट हो गया था, शादी होने वाला। कब होने वाला था शादी उनका? शादी भाई 9 दिसंबर में होने वाला था, डेट मतलब नहीं। अच्छा, डेट नहीं। क्या नाम है आपके पिताजी का? रामनाथ प्रसाद। आपकी मम्मी का? रूनी देवी। और बहन का? सोनम कुमारी। आपका क्या नाम हुआ? पूनम कुमारी। कहाँ रहती हैं आप लोग? हम लोग रहते हैं मीठापुर, चारपुर, बेलतपुलवा। तो आपने सुना कि किस तरीके से माँ और बहन दोनों को जिंदा जलाया। उसने पूरी आपबीती बताई कि किस तरीके से उसके पिता दरिंदे इंसान हैं और पहली बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी घटना उन्होंने किया है, अपने ही बेटा को जेल भेजा है, मारपीट किया है। कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में विवाद होता रहता था, लेकिन आज विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया जब अपनी ही पत्नी अपने ही बेटी को जिंदा जला दिया। दरिंदे पिता जो है मौके से फरार हो गया है, पुलिस इसको लेकर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि इस व्यक्ति जो व्यक्ति ने जिंदा जलाया है वो जज की गाड़ी को चलाता है, यानी चालक है पेशे से, और पूरे मामले के लेकर अब पुलिस छानबीन में जुट गई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।